नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 347 पदों पर भर्ती के लिए ईएसई मेंस के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। संघ लोक सेवा आयोग में 347 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम मेंस 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इन कुल रिक्तियों में 147 पद सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 85 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 74 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 41 पद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निर्धारित है। यूपीएससी ईएसई 2020 मेंस में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रहे, यूपीएससी ईएसई 2020 मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2021 है। सीतामढ़ी के बगही मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। डुमरा ब्लॉक के रंजीतपुर में स्थित बगही धाम एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। 108 कमरों से युक्त इस मठ में 24 घंटा कीर्तन और सीता राम नाम जाप होता रहता है। इस मठ परिसर में भी बाबा घनेश्वर नाथ महादेव का एक सुंदर और भव्य मंदिर भी है और यहाँ प्रसिद्ध संत बगही बाबा तपस्वी नारायण दास जी महाराज की समाधि स्थल भी है। आपको बता दें, इस मठ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। प्रवासी पक्षियों का रैन बसेरा बना बिहार। गुलाबी सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रवासी पक्षी बिहार की तरफ रुख करने लगे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि जब इन पक्षियों के मूल निवास स्थान पर प्रकृति का प्रकोप बढ़ता है, झीलें एवं अन्य जलाशय बर्फ में तब्दील होने लगती हैं और भोजन की कमी भी हो जाती है, तब ये पक्षी अपेक्षाकृत गर्म इलाकों को अपना बसेरा बना लेते हैं। इसी के तहत 30 से ज्यादा प्रजाति की पक्षियां बिहार पहुंचकर राजधानी जलाशय में शरण ले चुके हैं। वन विभाग इन पक्षियों का पूरी तरह से ख्याल भी रख रहा है। बिहार में 28 के बाद दिखेगा ठंड का असर। बिहार में ठंड से लोगों को थोड़े समय के लिए राहत मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार अभी बिहार में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम सामान्य बना रहेगा। एक नया और प्रभावी विभोक्ष आज देखने को मिला है, जिसकी वजह से 28 या 29 दिसंबर के तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम हालांकि सामान्य देखा गया। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 640 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,49,976 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 273 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 33 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 48 मामले सामने आए हैं। देश स्तरीय कला प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे गुदरी के लाल। आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाले, परिवार से नाता रखने वाले भागलपुर के 6 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश किया है, जिसकी सराहना पूरे बिहार में हो रही है। जिसके बाद अब यह छात्र देश स्तर पर भी बिहार का नाम रोशन करने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके तहत ये सभी छात्र देश स्तर पर आयोजित कला प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिसमें देव कृष्ण कुमार, राजनंदिनी कुमारी, प्रेम केडिया, राहुल कुमार, शिवानी कुमारी, नंदिनी कुमारी का नाम शामिल है। 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जारी की गई अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 10वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 देने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या परीक्षा फॉर्म की फीस जमा नहीं की है, वो 9 जनवरी 2021 तक बकाया फीस जमा कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से पहले भी कई बार स्कूलों को इस संबंध में निर्देशन दे दिया गया है, लेकिन स्कूलों ने अभी तक बकाया फीस का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से अब 9 जनवरी तक फीस जमा करने का एक और मौका दिया गया है। आपको बता दें, बिहार राज्य बोर्ड की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक कराई जाएगी। बिहार के 13 सरकारी अस्पतालों में आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब की होगी स्थापना। प्रदेश के 13 सरकारी अस्पतालों में आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब की स्थापना की जा रही है। पूर्णिया, मोतिहारी, मुंगेर, समस्तीपुर, भोजपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सारण, वैशाली, सिवान, बेगूसराय, मधुबनी और बक्सर जिला अस्पताल में लैब की स्थापना के लिए कुल 14,64,00,000 की राशि जारी की गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की आरटीपीसीआर जांच एम्स पटना, आरएमआरआई, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, डीएमसीएच और एनएमसीएच में की जाती थी। फ्लैटों की खरीद बिक्री पर कोरोना का असर, 1,000 करोड़ का नुकसान। कोरोना काल में जमीन फ्लैटों की खरीद बिक्री पर असर पड़ा है। कोरोना काल के
कारण अप्रैल से दिसंबर तक में पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 3.25 लाख कम फ्लैट का निबंधन हुआ है, जिससे सरकार को भी लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इधर लॉकडाउन खुलने के बाद खरीद बिक्री में सुधार का आलम यह है कि सितंबर में निबंधन का नया रिकॉर्ड बना। इस महीने में 1.12 लाख जमीन और फ्लैट का निबंधन हुआ है, इससे सरकार को भी 438 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। आपको बता दें कि इस महीने का लक्ष्य मात्र 320 करोड़ रुपए का था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार का जन्म 1974 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया व्यक्तित्व हैं। वो एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर, एनडीटीवी न्यूज नेटवर्क के हिंदी न्यूज चैनल और फिर चैनल के प्रमुख कार्यदिवस शो प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट सहित कई कार्यक्रम की मेजबानी करते हैं। उन्हें रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए पत्रकारिता पुरस्कार और 2019 में रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बन गए हैं। वो द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक भी हैं। 1 जनवरी से मुफ्त में फिल्म देखेंगे सैनिक। 1 जनवरी से पटना के सभी जवान मुफ्त में सिनेमा का आनंद उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना के रीजेंट फन सिनेमा में फौजी भाई मुफ्त में फिल्म देख सकते हैं, वो भी बड़े थिएटर में। यह थिएटर है पटना का रीजेंट फन सिनेमाज। आप फौज में हैं तो सिर्फ आपका आई कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा, आपको टिकट मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं 1 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा। आपको बता दें बिहार रेजिमेंट की दानापुर छावनी में भी 1200 जवान हैं जो ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरे काम करते हैं। इसके अलावा 25 बड़े छोटे अधिकारी मौजूद हैं। कुल मिलाकर 1225 फौजी इस छावनी में रहते हैं जो मुफ्त सिनेमा का लुत्फ उठा सकते हैं। बिहार ITI CAT 2020 के नतीजे घोषित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने बिहार ITI CAT 2020 के परिणाम रैंक कार्ड के आधार पर जारी कर दिए हैं। BCECE ITCAT 2020 की परीक्षा 4 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसके तहत अभ्यर्थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं। इसका रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की BCECE की आधिकारिक वेबसाइट BCECEBoard.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बीपीएससी पीटी अभ्यर्थियों के लिए 4 इंटरसिटी और 3 मेमू ट्रेन का होगा परिचालन। बीपीएससी पीटी परीक्षा में छात्रों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने परीक्षा के लिए 4 इंटरसिटी और 3 मेमू ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पाटलिपुत्र से नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज, राजगीर से दानापुर, धनबाद से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं समस्तीपुर से कटिहार, सोनपुर से छपरा और रक्सौल से दरभंगा, यह 3 मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। जूनियर डॉक्टर की मांग को अश्विनी चौबे ने ठहराया जायज। पीजी डॉक्टरों का विरोध लगातार तीसरे दिन जारी रहा। तीसरे दिन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर विरोध पर डटे रहे, जिसके कारण चिकित्सा व्यवस्था एकदम ठप नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने डॉक्टरों की इन मांगों को जायज करार दिया है। जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और कहा है कि उनकी मांग जायज है, सरकार इस पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने मानव हित में जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया चक्र पथ का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बेली रोड स्थित ललित भवन के पास बन रहे लोहिया चक्र पथ के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में लोहिया चक्र पथ एक उदाहरण होगा। इस पथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 49 रास्ते निकलते हैं, जिससे आप शहर के किसी भी हिस्से में आसानी से आ जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि यह अपनी तरह का इकलौता पथ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके बनने के बाद दूसरे राज्य के लोग इसे देखने आएंगे और इसे अपनाएंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कही बात। राजधानी के बामेती सभागार में बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कृषि विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत बड़ी संख्या में बिहार के किसान भी मौजूद थे। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की और वहीं बिहार के कृषि मंत्री ने इस दौरान अपना बयान जारी करते हुए बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का आज बिहार में होगा अंतिम संस्कार। पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां ने गुरुवार रात को ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका पार्थिव शरीर बीते दिन नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया था। वहीं अब आज दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की मां के गुजर जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद की मां बीते कई दिनों से काफी बीमार चल रही थी। जदयू के 6 विधायकों के जदयू छोड़ने पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। भाजपा और जदयू के बीच बिहार में गठबंधन है, मगर भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका दिया है, जिसके तहत उसके 6 विधायकों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया है। भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश मामले पर 26 और 27 दिसंबर को आयोजित होने वाली पार्टी की बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 6 विधायक हमसे अलग हो गए हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सुशील मोदी ने लालू यादव को दी खुली चुनौती। नगर भवन में भाजपा की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन बीते दिन करवाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सुशील मोदी ने उपस्थित लोगों को नए कृषि कानून की खूबियों के बारे में बताया और कहा कि चुनाव में हारी हुई पार्टियां किसानों को उकसा रही हैं। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव में इतना ताकत नहीं है कि हमारे विधायकों को खरीद सके। इसके साथ ही सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप अपना घर बचाइए, आप 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या नहीं आप उसकी चिंता करिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का 1904 में आज ही के दिन उद्घाटन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में आज ही के दिन स्थापना हुई थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1978 में जेल से रिहा आज ही के दिन किया गया था। भारतीय समाजसेवी महिला माबेला अरोल का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध संत महात्माओं में से एक विद्यानंद जी महाराज का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल ने साल 1976 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारत के नव राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने दुनिया को अलविदा 1999 में आज ही के दिन कहा था। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह ने आज ही के दिन साल 2015 में दुनिया को अलविदा कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में किया पैसे ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 9 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी कर दी है। वहीं इस अवसर को उन्होंने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला भी किया था और इसके लिए उनकी तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत बिहार के किसानों के खाते में भी किसान सम्मान योजना की किश्त की राशि का हस्तांतरण किया गया है। पीएम ने बिहार के 73.99 लाख किसानों के खाते में 1,479.87 करोड़ की राशि भेज दी है। प्लेइंग 11 में उतरने के लिए जडेजा हुए तैयार। प्लेइंग 11 में वापसी के लिए रविंद्र जडेजा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रही बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है, क्योंकि जडेजा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिसके बाद अब जडेजा मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेलबर्न में होने वाले इस मैच में टीम इंडिया अपने नियमित कप्तान विराट कोहली के बिना उतरेगी। कोहली पेटर्निटी लीव के चलते भारत वापस लौट चुके हैं। अजिंक्य रहाणे विराट की गैर मौजूदगी में टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। 4 मैच की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्तमान समय में 1-0 से आगे है। बच्चन परिवार ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया क्रिसमस। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बच्चन परिवार ने क्रिसमस 2020 को स्पेशल अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर पूरा परिवार साथ देखने को मिला। जलसा बंगले में क्रिसमस 2020 के अवसर पर डिनर का आयोजन करवाया गया था। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन, नव्या नवेदी, श्वेता बच्चन, जया बच्चन, अगस्त्या और अमिताभ बच्चन शामिल हुए थे। इनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लंबे समय बाद पूरा बच्चन परिवार साथ आया है। नव्या नवेदी ने इस मौके की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। हर कोई इस दौरान काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आया। बिना डिलीट किए अब आप अपने चैट को व्हाट्सएप पर कर सकते हैं हाइड। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर को अच्छी सुविधा देने के लिए कई फीचर्स लाता रहता है। व्हाट्सएप में अब आपको ऐसे फीचर मिलने वाले हैं जिसके जरिए अगर आप व्हाट्सएप पर अपनी चैट किसी को नहीं दिखाना चाहते तो उसे तुरंत डिलीट करे बिना हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें और इसके बाद जिसकी भी चैट आपको हाइड करनी है उस पर क्लिक करें।
अब उस चैट पर टैप करें और थोड़ी देर होल्ड करें। इसके बाद ऊपर की तरफ कुछ विकल्प सामने आएंगे, इसमें से एक एरो का विकल्प होगा। आर्काइव बटन पर टैप करें और इस पर टैप करने से आपकी चैट आर्काइव हो जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,710 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,710 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,610 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है भाई धनजी पहलवान, लवली सिंह, लव कुमार, असलम राज, चंदन यादव, अरविंद पंडित, संतोष कुमार, खुशबू कुमारी, धीरज कुमार, ललन पासवान, श्वेता रॉय, ललित कुमार, करीम कुमार, दीपू कुमार, नेहा कुमारी, विक्रम राज, योगेंद्र कुमार, राजकुमार सिंह, सुबोध कुमार, रंजीत कुमार, राजकुमार भगत, अशोक कुमार, सनी कुमार, अर्जुन शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे बतौर कैप्टन टीम को संभाल पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।